अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अम्मार बिन सलीम है। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो कल देखी है कि जिसमें मौलाना तारिक जमील कराची में अपना जो MTJ ब्रांड है उसका लॉन्च कर रहे हैं, और गालिबन किसी जगह पे उन्होंने अपना ब्रांड जो है उसकी शॉप को लॉन्च कर दिया है। और इसके बाद जो लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं सोशल मीडिया पर कि जी मौलाना साहब ये हैं तो पता नहीं SOBs फॉलो नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। असल में आखिर मसला है क्या? हमें मसला ये है कि हम एक आलिम को या एक मौलवी साहब को सिर्फ़ इस तरह से देखना चाहते हैं कि वो सारी ज़िंदगी मुफलसी में गुजार दें, वो सारी ज़िंदगी दूसरों से पैसे मांगने में गुजार दें, वो कभी भी ख़ुद मुख्तार ना हो सकें। ठीक है, हम उनको खाना दें तो वो खा लें, हम उनको थोड़ी सी उजरत दें तो वो अपना गुजारा कर लें, वो सारी ज़िंदगी या तो साइकिल चलाएँ या फिर मोटरबाइक चलाएँ, गाड़ी पर कभी ना आएँ। तो मौलाना तारिक जमील के रूप में हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट किस्म का एक बंदा नज़र आता है, एक डिफरेंट किस्म का आलिम नज़र आता है। तो इसलिए हमें साथ ही फिक्र पड़ते थे मौलाना साहब की करेक्टर असैसिनेशन करने के। भाई मौलाना साहब ने आपको कभी कोई बहुत सख्ती से आपको कहा कि नहीं जी आपने नमाज़ पढ़ना नहीं तो मैं आपको डंडा मारूंगा या फिर आप काफिर हो जाएंगे? उन्होंने तो आपको ऐसी बात नहीं की। उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है। पहली बात तो ये कि भाई ब्रांड कोई बंदा भी लॉन्च कर सकता है, कोई बंदा भी अपना कारोबार लॉन्च कर सकता है, इसमें क्या बुराई है? आखिरकार आप अपना प्रॉफिट कमाएं, आप हलाल कमा रहे हैं, वो कौन सा कोई हराम काम तो नहीं कर रहे ना, हलाल काम कर रहे हैं तो आप करने दें, आप भी कर लें। दूसरी बात है कि उन्होंने अच्छी तरह इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि उनके कई सारे मदारस हैं पाकिस्तान में, जिसका मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता लेकिन लगभग तकरीबन 150 मिलियन के करीब उनका सालाना खर्चा उन मदारस को, वो काफ़ी देर से इनको रन कर रहे हैं इन मदारस को, और इन मदारस को चलाने के लिए फ़ंड रेजिंग वो करते थे अपने जानने वालों को, लोगों को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके उनसे पैसे लिए, उनकी ज़कात ली, खैरात ली, जो कुछ हो सकता था वो जो मुमकिन होता था वो लेते थे। किस मकसद के लिए? दीन इस्लाम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, तलबा की खिदमत के लिए। तो हमें यह भी मसला है भाई, आप अगर जिनको इतना ज़्यादा मसला है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप ख़ुद खिदमत कर दें। ठीक है, अब कोविड का ये टाइम आया सारा, इसमें वो कई सारे लोग जो कि पहले फ़ंड देते होते थे वो अब नहीं दे सकते, हम सब जानते हैं बिजनेसेस के हालात ऐसे नहीं है, एक रिसेशन के टाइम चल रहा है। तो उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया इस तरफ कि भाई इसके जो रेवेन्यूज, इसकी जो प्रोसीड्स आएंगी उनको वहाँ पर डायरेक्ट किया जाएगा ताकि वो जो मदारस हैं वो खुद से चल सकें। ठीक है, लोगों से ज़्यादा फ़ंड रेजिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें आखिर गलती क्या है? हमने सिर्फ एक कॉइन की एक तरफ को ही देखना है, एक ही तरफ गौर करना है कि यार ऐसा है, मौलाना साहब ने ये स्टार्ट कर लिया, क्यों कर लिया? लोगों को तो वो ये बातें कर रहे हैं, भाई उन्होंने तो मेरा नहीं ख्याल कभी ये बात की है कि आप अपना कारोबार नहीं कर सकते। उन्होंने तो जो एग्जांपल्स दी हैं जिन सहाबा की या जिन बुज़ुर्गों की इस्लाम में, अगर कभी हम उनकी एग्जाम्पल्स पढ़ें तो आप ख़ुद भी ये कहेंगे कि भाई हम भी कारोबार कर लेते हैं। तो प्लीज़ बजाय ऐसे कि करेक्टर असैसिनेशन की जाए, वो भी इतने बड़े आलम की, अपने गिरबान में जहाँ की कोशिश की जाए कि भाई हम लोगों की मदद कर लें। तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, आपसे जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।